नए साल में आमने सामने आ सकते हैं मेसी और रोनाल्डो। 19 जनवरी को इन दो टीमों के बीच होगा मुकाबला। फुटबॉल फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नए साल में मौजूदा समय के दो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच मैच देखने को मिल सकता है। दरअसल 19 जनवरी को फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन और सऊदी अरब के दो क्लब के मिश्रित 11 के बीच मुकाबला हो सकता है। ये दो क्लब अल नास्र और अल हिलाल है। दरअसल पीएसजी टीम 19 जनवरी को अल नास्र और अल हिलाल के मिश्रित 11 के साथ फ्रेंडली मैच खेल सकती है। मेसी पीएसजी से खेलते हैं, वही रोनाल्डो ने शनिवार को ही अल नास्र क्लब ज्वाइन किया है। ऐसे में वह इस मिश्रित 11 का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ खेले तो यह मैच दर्शकों के बीच सुपरहिट रहने वाला है। मेसी हाल फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने में मदद किया था। मेसी ने विश्व कप में कुल 7 गोल दागे, इसमें फाइनल में किए गए 2 गोल भी शामिल है। अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार चैंपियन बनी थी। फिलहाल मेसी ने पीएसजी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जल्द ही वह ज्वाइन कर सकते हैं। वही रोनाल्डो ने शनिवार को अल नास्र के साथ अपने डील को पूरा किया। यूरोप में कई साल तक खेलने के बाद अब वह एशियाई क्लब के लिए खेलेंगे। रोनाल्डो के पूर्व क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अनुबंध खत्म होने के बाद उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिन्हें रोनाल्डो ने अब खत्म कर दिया है। 37 साल के रोनाल्डो ने 2025 तक के लिए अल नास्र के साथ करार किया है। उन्होंने 200 मिलियन यूरो का डील साइन किया है।